नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज किसान दिवस है और किसान दिवस पर मैं आप सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी मेहनत और लगातार मेहनत की वजह से ही पूरा देश आज अपना पेट भर पा रहा है। भारत का अधिकांश जो आय का स्रोत है वह केवल कृषि है और कृषि ही भारत है। यानी कृषि के अलावा आप अंग और गण गिन सकते हैं, क्योंकि कृषि तो मेन भारत है और सभी अंग इसी से निर्धारित होते हैं। भारत के भारत का किसान एवं मजदूर भारत की आत्मा है और मेहनत करके जो दुखी है, मेहनत करके भी कभी कभी किसान दुखी रहता है। आज भारत की सबसे दयनीय हालत में किसान है। देश की आज़ादी के बाद हर स्थिति में सुधार आया है, लेकिन किसानों के स्तर में अभी कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि कुछ स्तर तक सुधार तो आया है, लेकिन उतना सुधार नहीं आया है जितना आ जाना चाहिए। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ किसान क्या है कि पारंपरिक खेती करते, नई खेती के बारे में वो चर्चा नहीं कर रहे, ना ही नई खेती कर रहे, इसलिए वो अभी उनकी आय उतनी नहीं हो पा रही है। मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं और नई खेती करने का प्रयास करें। कृषि मानव जाति का सबसे पुराना और आवश्यक उद्योग है और यही उद्योग है हमारे देश में सबसे अधिक। आज ये चावल, गेहूं, बादाम या कोई भी फल हो, यह सब किसान ही उत्पादित करता है। देश की लगभग 80% आबादी आज किसान है। 60 के दशक में हरित क्रांति पंजाब और क्रांति में हुई थी, उसके साथ ही भारत का परिप्रेक्ष्य बदलना शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन लोग अब भी उतना आगे नहीं आ रहे। तो लोगों से निवेदन है थोड़ी सी ऐसी फसलें भी लगाए जिनसे उनको आर्थिक आय हो सके। राष्ट्रीय किसान दिवस का जो इतिहास है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ है। ये उनके सम्मान में मनाया जाता है। वे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। हालाँकि उन्होंने केवल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही अपना पदभार संभाला था, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसानों के हितों में ध्यान रखते हुए ऐसी नीतियाँ बनाई कि वो आज अमर हो गए। केवल किसानों के हितों की रक्षा करती बल्कि उन्होंने एकजुट करने की जिम्मेदारी भी लड़ी। जय जवान जय किसान किसान का वास्तविक रूप से अनुसरण किया। वो एक लेखक के अनुसार उनके हुनर का उपयोग किसानों की समस्याओं का समाधान था। उन्होंने कृषकों को जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। देश के आम किसानों के बीच सदा लोकप्रिय रहे। इस नेता की जयंती को ही किसान दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। ये बात हर कोई जानता है, किसान देश का मेरुदंड है, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है। इस तरह की किसान पृष्ठभूमि के लिए के कारण चरण सिंह जी का सम्मान में मनाया जाने वाला यह दिन भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन चौधरी चरण सिंह जी का जन्म है, जन्मदिन भी है, और इस दिवस की मनाने की घोषणा सन 2001 में हुई थी। कैसे मनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में इस दिन छुट्टी होती है। किसान प्रति जनता एवं सरकार जागरूक किया जाता है। किसानों का आधुनिक किसान की तरफ जागरूक किया जाता है। हर साल भारत में इसके सभी राज्य किसान राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं और उनमें भी वो राज्य जहां ज़्यादा कृषि होती है वहां ये दिवस कोई उत्सव से कम नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य इस दिवस को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। किसान समुदाय ग्रामीण वर्ग के कई सदस्य मिलकर के कृषि आधारित कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कई वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कार्यक्रम में जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान किसान संबंधित कई मुद्दों की चर्चा होती है। किसानों के प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के मुद्दों को अभिव्यक्त कर पाते, इसी कारण किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाने का एक उद्देश्य है, जो उद्देश्य भी हम आपको बताते हैं। किसानों को बिना जिनकी दुनिया का अस्तित्व ने सोचा भी नहीं जा सकता। ये बहुत खुशी खोश नसीब की बात है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो भरण पोषण का काम देखता है। एक वर्ग ने, मैं तो कहूँगा इसी वर्ग से सभी वर्ग है। इसके बदले यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर पाए तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसान दिवस मनाना जरूरी है, जिससे कि हम तक पहल फल सब्जी धान जैसी मूलभूत वस्तुएं पहुंचाने वाले लोगों का सम्मान किया जाए। वास्तव में कृषि के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट उपकरण और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए किसान वर्ग का शिक्षित होना भी जरूरी। सरकार किसानों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है और उन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता रहता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सभी को शुभकामनाएँ देते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।